शशि थरूर की बड़ी भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव को लेकर शशि थरूर ने बहुत बड़ी बात बोल दी। बीजेपी की जीत को लेकर शशि थरूर का दावा अहम है। शशि थरूर के दावे से एनडीए अलायंस की नींव हिल सकती है। बस कुछ ही महीने और हैं और फिर देश में सबसे बड़े चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 2014 के बाद 2019 और अब फिर 2024 में देश के इस महापर्व की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। बीजेपी के अलावा बाकी सभी दल बीजेपी को सत्ता से हटाने के सपने बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि इकट्ठे होंगे, संगठित रहेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी को पीएम पद से उतार पाने में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब हो पाएंगे। लेकिन लगता है जैसे इस विपक्षी इंडिया अलायंस के लोगों में ही ये दृढ़ विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है कि साथ रहकर बीजेपी को सत्ता से उतारना आसान होगा, क्योंकि समय समय पर ऐसे लोग सामने आते ही रहते हैं जो विपक्षी होने के बाद भी कह जाते हैं कि बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या फिर 400 पार कर जाएगी। इस बार ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कह दी है। शशि थरूर ने बीजेपी को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, जिससे निश्चित तौर पर उनके सहयोगियों में नाराजगी बढ़ सकती है। हो सकता है कांग्रेस नेता के ऐसे बयान पर कांग्रेस में अंदर खाने ही उनका विरोध होने लगे। कांग्रेस सांसद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है और ये देश उस स्थिति के साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है जहां उसके पास सभी राज्यों में 100% सहमति नहीं है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इंडिया द फ्यूचर इज नाउ सत्र में उन्होंने कहा, मुझे अभी लगता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी संख्या को स्तर पर कम किया जा सकता है जहां सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या जुटाने के वास्ते उनके संभावित सहयोगी समर्थन के इच्छुक नहीं होंगे। हो सकता है कि एनडीए से अलग होकर सहयोगी दल हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हो, इसलिए हमें इसे आजमाना होगा। शशि थरूर का कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी पर वार न करते हुए बल्कि बीजेपी के सहयोगियों को लुभाने पर काम किया जाए तो संभव है कि बीजेपी की सीटों को पिछले चुनावों के मुकाबले में कम किया जा सके। लेकिन फिर भी बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की बात तो शशि थरूर ने कही ही है। इसके बाद फिर अपने इंडिया अलायंस के बारे में भी शशि थरूर ने बात की। उन्होंने अपने इंडिया अलायंस की कमियों को गिनाया। शशि थरूर ने कहा है, इस गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कठिनाइयां जो कि सिर्फ शशि थरूर को ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी दिखाई दे रही हैं। देश की जनता भी समझ रही है, देख रही है कि विधानसभा चुनावों के दौरान यही इंडिया अलायंस के दल आपस में किस तरह से पेश आए हैं। लेकिन हाँ, अब शशि थरूर ने बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की बात कही है, जबकि इससे पहले तक वो पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करने की बात कह चुके हैं। और हाँ, ये कोई पहले कांग्रेसी भी नहीं है जो बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने की बात कह रहे हैं। इससे पहले भी कई कांग्रेसी बीजेपी को लेकर ऐसा दावा या फिर कह ले भविष्यवाणी कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के बयान से भी तो अभी हाल ही में हंगामा मचा था। कार्ति चिदम्बरम ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने वालों पर ही निशाना साध दिया था। उन्होंने ईवीएम में अपना विश्वास अधिक बताया था। इतना ही नहीं, कार्ति चिदम्बरम ने पीएम मोदी के मुकाबले का किसी को भी मानने से इनकार कर दिया था। कार्ति ने कहा था, कोई भी उनके मुकाबले का नहीं है, आज की प्रचार मशीन को देखते हुए कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम की भी बात कर लेते हैं। वो भी इसी तरह के बयान कई बार दे चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को पीएम पद के उम्मीदवार को घोषित करना पड़ेगा, जो कि इंडिया अलायंस अब तक नहीं कर सकी है और लगता भी नहीं कोई एक चेहरा है जिस पर बात बन सकती है। और फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक राज्य के अलावा हुई कांग्रेस की गर्त पर भी प्रमोद कृष्णम तीखा कटाक्ष कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा है, सनातन का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। भारत भावनाओं का देश है, इस देश ने जाति आधारित राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस का प्रदर्शन सनातन का विरोध करने का अभिशाप है। सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIA
MIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सनातन विरोधी डीएमके के नेताओं पर भी तीखा कटाक्ष करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा था, डीएमके के नेताओं की इस तरह की हरकत रही और सनातन धर्म के खिलाफ ऐसे बकवास करते रहे तो गौमूत्र ही नहीं बल्कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। एमपी सेंथिल ने कहा है कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीत रही है, तो पार्लियामेंट में गौमूत्र छोड़ना पड़ना चाहिए। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है, स्वागत है। मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसे इंडिया लाइंस के बाकी के साथी दल भी बहुत आस भरी नजरों से देख रहे हैं, उसके ही नेताओं को बार बार लग रहा है कि बीजेपी फिर एक बार देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, बीजेपी फिर एक बार कमाल दिखाने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जो आभास कांग्रेस के नेताओं को हो रहा है वो सही है? क्या सच में बीजेपी फिर एक बार देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने वाली है? क्या फिर एक बार बीजेपी इंडिया अलायंस के सभी दलों को जबरदस्त चकमा देने वाली है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।